जय माता जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। और 2 दिन की शादी का प्रोग्राम ख़त्म करके और अब जाके दुकान पे पहुँचे हैं, तो दुकान संभालते हैं। कुछ बिल वगैरह पेंडिंग पड़े हैं तो वो बिल काटूँगा आज। और बाकी अपना जो एसी था मेरा, वो आपको दिखाई थी मैंने, उसके अंदर बर्फ़ जमी हुई थी, तो वो उसकी शायद गैस की लीकेज की प्रॉब्लम थी, तो उसको भी कल उतरवा दिया था, मैंने बोल दिया था, वो तो उन्होंने उतार के और ले गए थे। अब यहाँ पर खाली ऐसा ही छोड़ रखा है ये इसका फ्रेम सा, तो अभी 10:30 बजे के करीब आएगा और फिर इसको दोबारा फिट करेंगे यहाँ पे। नहीं तो क्या कि वो मेरे ऑफिस में गर्मी बढ़ जाती है, क्योंकि छत नज़दीक है ये वाली, और ये गर्म होती है, तो गर्म होने के कारण फिर यहाँ पे गर्मी बढ़ जाती है। मैं चलो भाई अभी आने के बाद फिर ठंड में ठीक रहेगा। और देखिए कैसे पसीना आ चुका गर्मी के कारण बिल्कुल, और पंखा चल रहा है जिसमें, लेकिन पंखा काम नहीं करता, वो गर्म हवा ही चलती रहती है। इसको कुछ इस तरह से फिट करवा दिया था मैंने, कल बोल दिया था, और अंदर की तरफ ये प्लाई लगवा दी थी, क्योंकि क्या है कि नीचे की तरफ खाली था ये, अगर प्लाई उठाए ना और फिर यहाँ बंदर आके फिर सारे बिल वगैरह काट जाते मेरे। और अभी जो पाटड़ों का काम है वो हमारा पेंडिंग है, क्योंकि जितने भेजने थे ना उनमें से 75% तो जा चुके हैं, सिर्फ 25% बाकी है। और कस्टमर ने, फैक्ट्री वालों ने बोला है कि अभी उनको और रिक्वायरमेंट नहीं है, तो थोड़े दिन रुक के भेजिए ताकि उनका माल आ जाए और फिर इसके ऊपर साथ के साथ लगा ले वो। तो जी एसी हमारा ठीक हो के आ चुका है, और अभी की है मैंने इसकी फिटिंग, और पसीना देखिए कितना आ चुका है गर्मी के कारण, और ज़्यादा गर्मी हो चुकी है यहाँ पे, ये देखो, मतलब इतना पसीना बिना एक्सरसाइज के कुछ भी किए ऐसे ही आ जाता है। और यहाँ पे इसकी फिटिंग कर दी है, अपने लगा दिया, कनेक्शन वगैरह कर दिए इसके, तो अभी इसकी कूलिंग देखनी है कितनी देर में कंप्रेसर चले और कूलिंग कैसे करेगा अब। और टेम्परेचर भी मैंने तो इसको 16 पे सेट कर दिया, ठंड कर दे पूरी बस। तो चलिए देखते हैं कितना टाइम और लगेगा इसमें, फ़िलहाल तो ये ठंडी हवा दे रहा है जिस तरह पहले देता था, लेकिन 2-3 दिन के बाद सही रिजल्ट आएगा इसका, क्योंकि 2-3 दिन के बाद अगर कोई लीकेज वगैरह या कुछ भी होना तो बिना चले नहीं पता चलता, तो अभी 2-3 दिन या उससे ज़्यादा इसका ट्रायल लेके देखेंगे, फिर सही रिव्यू देंगे इसका भी कैसा चल रहा है ये। और ये देखिए यहाँ पे पहले क्या था, पूरी बर्फ़ जमने लग जाती थी, और यही होता है कि एसी के अंदर बर्फ़ नहीं जमनी चाहिए, अगर बर्फ़ जम रही है तो कहीं ना कहीं लीकेज है। और ये देखिए पाइपों के ऊपर अब पानी आने लगा है इन पे, क्योंकि ठंडी हो रही है ना पाइपें, तो मॉइस्चर आने लगेगा अब, और नहीं तो इन पाइपों के ऊपर बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा था, ये सिर्फ ऊपर वाले एक या दो ये ठंडी हो रही थी, बाकी सारी नॉर्मल पड़ी थी ऐसी। तो अब इसकी पूरी तरह से फिटिंग कर दी है एसी की, और ये फट्टा इसलिए लगा रखा है ताकि ठंडी हवा उस तरफ जाए, नहीं तो यहाँ पे क्या है इस साइड में ज़्यादा ठंड हो जाती है। और इसके चक्कर में तो अभी तक ऑफिस में आया भी नहीं था, लैपटॉप भी ऐसे का ऐसा बंद ही पड़ा है, अभी शुरू करूँगा। अब कुछ ठंड महसूस होने लगी है, लेकिन टेम्परेचर अभी भी अंदर का दिखा रहा 33, तो इसको डाउन करने में काफ़ी टाइम लगा है, क्योंकि पूरी दीवारें गर्म हुई है ना। और अभी एक बार घर जा के आता हूँ, पानी ले के आऊँगा। शादी के टाइम पे क्या होता है, जो आरओ का पानी होता ना वो मैं पीता नहीं, फिर उसको शादी में पिया गया खूब गर्मी के कारण, तो गला यहाँ से चौक सा हो चुका है, वो पता नहीं किस तरह करते हैं। और मैं जो घर वाला आरओ का है उसका TDS भी थोड़ा मेंटेन करके रखता हूँ, तो इस कारण से आवाज अपना पानी पियेंगे और ठीक हो जाएगा फिर गला। तो अभी एसी ने ठंड कर रखी है बहुत बढ़िया, अब यहाँ पर सर्दी लगने लग गई है, नहीं तो क्या था कि अभी बैठा भी नहीं जा रहा था। और छत भी ठंडी हो चुकी है, दीवारें तो गर्म होती नहीं यहाँ की, क्योंकि जो लकड़ी का काम हुआ है इस कारण से, तो अभी टेम्परेचर भी बिल्कुल ठीक दिखा रहा है, बल्कि जो यहाँ अंदर का टेम्परेचर है अभी 26 है इस रूम का, तो इतना तो ठीक है, और अभी और चलता रहेगा तो ठंड बढ़ती रहेगी।